तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं विशाल छिकारा आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन एक वीडियो दे चुका हूं। हमारा जो चैनल है टेस्ट करो, उस पर भी है, कंपटीशन हब है, उस पर भी हमारी जो क्लास है वो आपने देख ली होगी। उसमें थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की थी कि स्क्वेयर क्या होता है। तो आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वेयर की बात करेंगे कि स्क्वेयर होता क्या है, कैसे कैसे स्क्वेयर पे आज तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कैसे कैसे स्क्वेयर पे क्वेश्चन अब 2018 SSC CGL परी को देखते हुए बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका मैंने नाम ही लिख दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर SSC CGL 2018 स्क्वेयर पे बेस्ड है। आपके सामने एक स्क्वेयर है। स्क्वेयर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वेयर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसी कोई भी फिगर जो चार साइड से मिलकर बनी होती है और चारों तरफ से बंद होती है। चार साइड से मिलकर बनी हुई कोई भी फिगर जो चारों साइड से बंद होती हैं कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम पढ़ते हैं स्क्वेयर। अगर ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है तो सेम प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, चार साइड से मिलकर बना होगा और चारों तरफ से बंद होगा। तो ये है स्क्वेयर, जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब स्क्वेयर एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये है बेसिकली स्क्वेयर। स्क्वेयर के बारे में मोटा मोटा हम जान लेते हैं क्या है कि इसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये चार एंगल बनेंगे, चारों एंगल आपस में बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। वैसे भी इसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जरूरी है आपको याद रखनी है कि पैरेलल होंगी। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, ये ए बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। तो पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्या है, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वेयर इज 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, द डायगनल ऑफ ए स्क्वेयर बाइसेक्ट ईच अदर। ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है कि इसको बाइसेक्ट करते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये बाइसेक्ट इसको क्यों करते हैं। प्रूफ मैंने इसको करके बता दिया था, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से किया था। अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वेयर आर पैरेलल। ए स्क्वेयर हूज साइड इज, मान लेते हैं कि इसकी साइड उन्होंने मान ली एस, ठीक है, इसकी साइड क्या है, एस है। ठीक है, अगर इसकी साइड एस है तो इसका एरिया क्या होगा, एस का स्क्वेयर। ए स्क्वेयर हुज साइड लेंथ इज एस हैज पेरीमीटर 4s, ठीक है। ए स्क्वेयर हुज साइड लेंथ इज एस हैज ए डायगनल। डायगनल क्या है, डायगनल को मैंने आपकी प्रॉपर्टी होती है, या फिर डायगनल के बारे में मैंने क्या बताया था कि एडजेसेंट जो आपका वर्टेक्स होता है उसको छोड़ के अगर किसी बाकी किसी वर्टेक्स को इसको मिलाया जाता है तो वो इसका डायगनल होता है। जैसे ए एक वर्टेक्स है, ए का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो या तो बी है या डी है। अगर मैं ए को सी से मिला दूंगा ये डायगनल होगा, क्योंकि एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर आप कहीं मिलाते हो तो वो क्या कहलाता है, उस फिगर का डायगनल। तो ये है इसका डायगनल, बी और डी को हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद द डायगनल ऑफ स्क्वेयर आर इक्वल, जो मैंने आपको उस दिन प्रूफ करके बता दिया था कि ये क्यों बराबर होते हैं। मोटा मोटा एक बार फिर देख लो कि ये देखो, ये हमने क्या बना लिया, एक स्क्वेयर बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वेयर है, ए बी और ये सी और ये डी इसकी साइड है। चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री। पहली चीज जो क्या है, चारों एंगल इसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैं आपको बस बता रहा हूँ बना के। अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, ए बी पैरेलल क्या है आपका सी डी है, और ए डी पैरेलल आपका क्या है, बी सी है। ठीक है, चारों साइड्स आपस में बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर आपका ए डी, ठीक है, जो कि एस है। ठीक है, एस मान लिया, दोनों डायगनल आपस में बराबर, इसका मतलब ए डी बराबर में आपका क्या होगा, बी सी होगा। ए बी आपका पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा, और आपका ए डी पैरेलल क्या होगा, इसमें बी सी होगा। ठीक है, यहां पर जो ए डी और बी सी डायगनल है वो रूट टू किस क्या होगा, साइड का मल्टीपल होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके साथ ही मैंने आपको क्या बताया था कि इसके जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या, इसके जो डायगनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक स्क्वेयर बना लूं, ये एक स्क्वेयर है,
तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, बल्कि मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि ये क्यों बाइसेक्ट करते हैं, ए बी, बी सी और ये सी डी। ठीक है, एक तो क्या होगा, ये जो चारों एंगल बनेंगे 90 डिग्री के बनेंगे, ये आपके 90 डिग्री के बनेंगे। हम मान लेते हैं कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, ए ओ बराबर आपका ओ सी होगा और आपका बी ओ बराबर आपका ओ डी होगा, और क्योंकि डायगोनल बराबर है दोनों, तो इसलिए ए ओ बराबर ओ सी बराबर आपका ये क्या है, बी है। ठीक है, ये बी है, ओ बी, सॉरी ये डी था, ये डी लिखो इसको, क्योंकि ओ डी बराबर ओ बी था, तो बराबर ओ बी, चारों आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसके साथ ही ये जो वर्टेक्स एंगल होता है इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर। तो ये हमने एंगल की बात कर ली थी, ये 45 होगा, ये भी 45 और ये भी 45 और 45। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो स्क्वेयर से रिलेटेड हैं, जो आपके काम की हैं और ये आगे भी आपके काम आती रहेंगी। प्रूफ मैंने आपके इनको करा दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वेयर इज डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली मैंने शुरुआती क्या है की है कि जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। ठीक है, ये आपके सामने भी एक स्क्वेयर है जो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपस में एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ओ पॉइंट है ये आपका ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और यही आपका बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी बेसिक चीजें सारी क्लियर हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने स्क्वेयर से ज्यादा फोकस इसलिए किया है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, शेडेड रीजन हो या फिर सर्कल रखने हो, तो या तो आपसे स्क्वेयर से पूछे जाएंगे, अगर सर्कल रखने होंगे अंदर तो राइट एंगल ट्रायंगल से पूछे जाएंगे, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपसे पूछे जाएंगे। ये तीन वो मेन फिगर हैं जिनके अंदर बार बार सर्कल आपसे रख के उनकी रेडियस पूछी जाएगी, या फिर वहां पर शेडेड एरिया करके उस शेडेड रीजन का आपसे एरिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो आपको कराना चाह रहा था, ये बेसिक चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो, वैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ट्रेंगल बनेंगे ये सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे स्क्वेयर और रोम्बस के अंदर, और इनका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। मान लो इसका एरिया अगर कैपिटल ए है तो इसका भी कैपिटल ए होगा, इसका भी कैपिटल ए होगा, इसका भी कैपिटल ए होगा, क्योंकि ये चारों एंगल 90 90 हो जाएंगे, ये साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, तो हम इसको साइड एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, और इन चारों को हम साइड 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 से भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो उनसे ये चारों छोटे छोटे ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ बी, डी ओ सी और बी ओ सी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, इन सब का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये सारी बेसिक चीजें थी। अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं बात आपसे जो बात करने जा रहा हूं, बात कर रहे हैं हम कि सर्कल है, सर्कल को स्क्वेयर के अंदर कैसे कैसे रख के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक स्क्वेयर है ए, बी और क्या है सी, और ये मेरे पास है डी, इसकी जो साइड है ए है। ठीक है, मैंने मान लिया इस स्क्वेयर की साइड ए है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं पूछूं कि अगर इस सर्कल की रेडियस अगर आर है, अगर इस सर्कल की रेडियस आर है तो आर क्या होगा, आप बोलोगे जो रेडियस होगी वो इस साइड के जो स्क्वेयर है उसकी साइड का आधा होगी। तो बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करने लगा हूं, जो ये तो आप सबको पता होगा, बट मैं एक सीरीज सी लेकर चलूंगा कि एक सर्कल हो तो कैसे, दो सर्कल हो कैसे, तीन सर्कल हो तो कैसे, और अगर चार सर्कल हो तो कैसे आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक सीरीज है, उसके अंदर पहला ही पॉइंट ये वाला है कि अगर एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर के अंदर एक सर्कल रखा गया हो तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना आर बराबर क्या होगा, आपका साइड ऑफ स्क्वेयर डिवाइड बाय टू, साइड ऑफ स्क्वेयर डिवाइड बाय टू, ये आपकी क्या होगी, रेडियस। ठीक है, अगली चीज सेकंड आपका है, आपसे पूछा जा सकता है कि
अगर एक सर्कल को एक स्क्वायर के बाहर रखा जाता है, या फिर इंग्लिश में बोलेगा एक स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल। तो इस केस में अगर अगर हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसकी साइड अगर ए है, तो इस केस में ये आपसे बोलेगा कि इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा ना, इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वही इस सर्कल का डायामीटर होगा। तो एक बात बताओ कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास 90 डिग्री है, ऐसे ही ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, तो मेरे पास एक तरीके से ए, बी, सी और डी, मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ए बी सी और आपका ए सी डी। किसी एक ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो मेरे पास जो ए सी है, ए सी जो मेरा डायगोनल है, ये कितना आ जाएगा, √2 में ए। इसका मतलब √2 जो ए है वो किसके बराबर है, आपका डायामीटर के। डायामीटर किसका, इस सर्कल का डायामीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो आप क्या करोगे कि डायामीटर को भी हाफ कर देंगे और यहां से इसको भी हम हाफ कर देंगे, तो मेरी रेडियस क्या आ जाएगी, मेरी जो आर आएगी वो आएगी इस डायगोनल का आधा। क्या आएगी, इस डायगोनल का आधा। या फिर अगर √2 a है, इसको भी मैं √2 × √2 लिख दूं, क्योंकि देखो सर्ड्स इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा, जब बेस सेम होता है जो क्या होता है, पावर इनकी ऐड हो जाती है। तो बेसिकली रूट का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ होता है। ठीक है, ये सबको पता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 × में 2 की पावर 1/2, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 1/2 + में 2 की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2, 2 की पावर 1 ये क्या बनेगा 2। तो इस 2 को हम इस तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो √2 से √2 जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो रेडियस होगी ए बाय √2 होगी। तो आप दोनों तरीके से याद कर सकते हो कि जो इस वाले बाहर वाला जो सर्कल है सर्कमस्क्राइब करेगा स्क्वेयर को, उसकी जो रेडियस आएगी, इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आप इसको कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो, हमने यहाँ स्मॉल आर ले लिया, कोई इशू नहीं। तो जो आर होगा वो क्या क्या होगा हमारा, दो वैल्यूज आप याद रख सकते हो। पहली तो क्या होगा, √2a/2, डायगनल का आधा, जो स्क्वेयर का डायगनल होगा उसका आधा ही हमारा सर्कल की रेडियस होगी, और जो स्क्वेयर का डायगनल होगा वही बाहर वाले सर्कल का डायामीटर होगा। सेकंड, आप इसको याद कर लेना कि स्क्वेयर की साइड को अगर √2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सर्कम रेडियस निकल कर आ जाती है। आप इसको कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं जो अंदर सर्कल होता है, और अगर बाहर सर्कल हो तो उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमने किया सेकंड। पहला एक सर्कल है, सर्कल किसके, एक स्क्वेयर के अंदर है। दूसरा एक सर्कल है, वो स्क्वेयर के बाहर है। तीसरा आपसे पूछा जाता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि हमारे पास एक स्क्वेयर है ए, बी, सी और डी। ये बोलेगा इस स्क्वेयर की साइड क्या है, ए है, और ये दोनों सर्कल क्या है, बराबर रेडियस के हैं। दोनों सर्कल जो अंदर रखे गए हैं वो बराबर रेडियस के हैं, मानते हैं रेडियस इनकी क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि ये स्क्वेयर है, उसकी साइड ए है, इसके अंदर दो सर्कल बराबर रेडियस के रखे गए हैं, तो बताइए कि इन सर्कल की रेडियस क्या होने वाली है। तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएं तो हमें क्या करना होता है, उसका सेंटर डिसाइड। तो हम सेंटर डिसाइड करेंगे, और हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे तो 90% आपका जो ये बाहर वाला बड़ा स्क्वेयर है, इसका जो डायगोनल है उस डायगोनल का इनकी रेडियस के साथ रिलेशन बनेगा। तो होगा क्या, अगर मैं यहां से इस प्रकार से बीडी को मिला दूं, तो ये बीडी क्या होने वाला है, अगर मैं यहां पर बात करूं बीडी क्या है, इस वाले स्क्वायर का डायगोनल, और बीडी की लेंथ कितनी आएगी यहां पर, √2a, क्योंकि इस स्क्वायर की साइड हमने ए मानी है।
और ये जो डायगोनल होगा ना, इन सर्कल्स के सेंटर से हमेशा पास करेगा। क्या होगा, ये जो सर्कल के सेंटर हैं, इनसे हमारा डायगोनल पास करेगा। तो हमने माना इन सर्कल की रेडियस आर है, ये अगर आर है तो ये भी आर है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आर होगी और ये भी हमारी आर होगी। तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर आप बोलोगे कि सर 2r + 2r, 4r तो हमने एक वैल्यू निकाल ली, बट एक चीज आप नोटिस करना, यहां पर अगर आपको इसके डायगोनल के साथ रिलेट करना है तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाली लेंथ को, यहां पर ये जो ये वाली लेंथ है, ये वाली, इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 4r में इसको ऐड कर दो और इस तरफ से इसको ऐड कर दो ब्लू वाले को, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरे डायगोनल के इक्वल ये आ जाएगा। ठीक है, पूरे डायगोनल के इक्वल ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इस केस में थोड़ा सा मैंने इनको, इनके सेंटर को ऐसे मिला दिया, यहां मैंने मिला दिया, ठीक है, ये मैंने मिला दिया, ऐसे ही इस सेंटर को मैंने यहां मिला दिया और यहां से सेंटर को मैंने यहां मिला दिया। ये बात तो पक्का है कि कहीं भी जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से आप कहीं भी मिला दो तो वो क्या होती है, आपकी रेडियस होती है। तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगा, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पर जो सी डी है, वो सी डी इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा, और जो टेंजेंट होती है उस पर सर्कल के सेंटर से खींची गई रेडियस परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला एंगल पहले ही हमें पता था 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वेयर का एंगल है, ये भी 90 होगा हमें पता था। अब ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, और नीचे ये भी 90 आ गया, और ये भी 90 आ गया। तो बेसिकली हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन गए जिनके तीन एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो चौथा अपने पास अपने आप 90 होगा, क्योंकि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसके जो टोटल सम होता है वो तो 360 होता है। अब तीन का सम 270 हो गया, तो चौथे का 90 होगा। इसका मतलब ये स्क्वेयर है, ये भी आर होगा, ये भी आर है, ये भी आर होगी। छोटे छोटे आपके पास दो क्या बन गए, स्क्वेयर। तो अब होगा क्या कि यहां पर इस वाले स्क्वेयर के लिए ये जो लेंथ है, जिसको अभी मैं ऐसे कर रहा हूं, ये जो पूरी लेंथ होगी ये वाली, ये किसका काम करेगी, डायगोनल का काम करेगी। ऐसे ही यहां पर ये जो पूरी लेंथ होगी ये किसका काम करेगी, डायगोनल का काम करेगी। तो अगर इस वाले स्क्वेयर में अगर इसकी जो साइड है वो आर है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, ये जो डायगोनल आएगा हमारे पास ये √2r आएगा, ये वाला डायगोनल हमारे पास कितना आएगा, √2r आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहां इसको कंपेयर करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि हमारा जो डायगोनल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है √2r प्लस में हमारा आर प्लस में हमारा आर प्लस में √2r। ठीक है, देखो ये आर हमने लिया है, ऊपर से हमने √2r ले लिया फर्स्ट वाला, सेकंड हमने ये वाला आर ले लिया, थर्ड हमने फिर ये आर लिया है, और फोर्थ हमने फिर ये √2r लिया है, और इन सबको ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर आ गया, हमारे इस वाले स्क्वेयर के डायगोनल के। ठीक है, तो अब हमें जो आर की वैल्यू निकालनी है किसकी टर्म में, ए की टर्म में। ठीक है, तो अब क्या करो, आर वालों को जोड़ो, तो मेरे पास √2a बराबर आ गया √2r प्लस में √2r, 2√2r प्लस में 2r। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहां से होगा क्या कि इनमें से आपका आर आएगा कॉमन, आर आया कॉमन, अंदर क्या बचा, आर अब कॉमन आने के बाद, या फिर 2r कॉमन ले लो, चलो आप आर ही ले लो, आर लेने से √2 प्लस में आपका 2 बच गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, √2a के। ठीक है, ऐसे आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है आर की, तो क्या करो, इस वाले को नीचे ले आओ, तो ये क्या बन गया, √2a अपॉन में 2√2 प्लस में 2। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, ऐसे आपकी रेडियस निकल कर आ जाएगी। इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, √2a अपॉन 2√2 प्लस में 2। ऐसे आपको इसको करना है।
आप इसको फर्दर भी इसको थोड़ा सा डिवाइड मतलब इसको और कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, जैसे यहां पर नीचे आप टू कॉमन ले लोगे, ठीक है, नीचे आप टू कॉमन ले लोगे। जैसे मैं यहां ले लेता हूं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आर बराबर, ऊपर देखना, यहां मैं लिख रहा हूं इसको आर बराबर रूट टू ए हो गया। नीचे हमने टू कॉमन ले लिया, अंदर बचा रूट टू प्लस में क्या आएगा, वन, ठीक है। अब इस टू को मैं क्या लिख सकता हूं, इस टू को मैं रूट टू इंटू में रूट टू लिख सकता हूं। रूट टू से ये रूट टू कट जाएगा, तो आर की वैल्यू और क्या लिख सकते हो आप, ए अपॉन रूट टू इंटू में रूट टू प्लस में वन, ठीक है, रूट टू प्लस में वन या फिर टू प्लस में रूट टू। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आपकी यहीं से इसकी रेडियस निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, वो इस बात पे फोकस करना है कि यहां पर दोनों तरफ क्या बनेंगे, छोटे छोटे स्क्वेयर बनेंगे, और इन छोटे छोटे स्क्वेयर से ही आपको क्या करना है, इनके डायगोनल को निकालना है, और डायगोनल से ही आपको क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने काफी इसको कर लिया, इसके बाद पहले हमने एक सर्कल की बात की जो अंदर था, एक सर्कल की बात की जो बाहर है। अब दो सर्कल थे बराबर रेडियस के, एक स्क्वेयर के अंदर रखे गए थे, तो आपसे पूछा था इस वाले स्क्वेयर की साइड देके कि इस वाले ये जो दोनों सर्कल हैं इनकी आपकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस क्या निकली, रूट टू इंटू में साइड ऑफ स्क्वेयर अपॉन टू रूट टू प्लस में टू। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर चीजें को आप देख लेना, ये रूट टू था, ये रूट टू था, और ये रूट टू ए था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजों को करना है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप नीचे वीडियो के लास्ट में मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी कम मिनट की रखेंगे, कंटेंट अच्छा रखेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो आगे मैं आपको बता दूं क्या करने वाले हैं, चार सर्कल रखे जाए तो उनकी रेडियस क्या होगी, पांच सर्कल रखे गए हों उनकी रेडियस क्या होगी, आठ सर्कल रखे गए हों, ये बराबर रेडियस के सभी सर्कल हैं तो इनकी रेडियस क्या होगी, इस प्रकार से क्वाड्रेंट में ऊपर सर्कल रखा गया हो उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसे एक बड़ा सर्कल है नीचे छोटा सर्कल रखा गया हो इसकी रेडियस निकालनी हो क्या होगी, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल ऐसे रखे गए हो तो इनकी रेडियस क्या होगी, या इनकी दोनों की रेडियस का सम क्या होगा। अगर आपसे बोल दे कि एक स्क्वेयर के अंदर रखे जाने वाले बड़े से बड़े सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक एसएससी ने नहीं पूछा है, पूछा जा सकता है। उसके बाद इस प्रकार से यहां पर एक सर्कल के अंदर, सॉरी एक स्क्वेयर के अंदर एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के बाहर सर्कल है, इनकी रेडियस आपसे निकलवा लेगा। इस प्रकार से एक स्क्वेयर है, एक सर्कल ऐसे है, ये कैट का क्वेश्चन है, कैट में पूछा गया है, ये आपसे पूछ लेगा। चार सर्कल बराबर रेडियस के हैं, इसके अंदर एक छोटा स्क्वेयर रखा गया है, स्क्वेयर की साइड निकलवा लेगा, ठीक है। ये भी कैट में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दो सर्कल है एक बड़ा एक छोटा, यह देखो एक एक स्क्वेयर रखा गया है छोटा और एक बड़ा सर्कल रखा गया है, इस पे क्वेश्चन है, चार सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर के अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक छोटा स्क्वेयर है उसकी साइड आपसे पूछ लेगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे कवर कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन अभी हमारी क्लास में होंगे, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन पे मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इनको मैं आपको सब कराऊंगा, सारा एक एक मैं आपको कवर कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हुए कि एग्जाम का जो लेवल बढ़ा है 2017 से, उसके अकॉर्डिंग ये अच्छे क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो इनको मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लगता रहे कि आगे जो क्लास आने वाली है उसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, अगर आपने क्लास देखना शुरू किया है, ताकि आप जुड़े रहो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जितने टाइप से इनके सॉल्यूशन बन सकते होंगे हर टाइप से मैं आपको इनका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर जो अगली क्लास होगी उसमें, तब तक इनको देखिए समझिए, और अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मैं विशाल छिकारा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।